हेलो दोस्तों, मैं अनुशुभा साहब, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज आपके सामने यामाहा की तरफ से आ रही FZS डीलक्स वर्जन 4। एंड यहाँ पर जो कलर आप देख रहे हैं, ये इसमें टोटली न्यू कलर आया हुआ है जो कि है साइबर ग्रीन। एंड यहाँ पर अब बात करें इस बाइक के बारे में, तो आप देखेंगे काफ़ी प्यारा फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो हेडलैम्प्स वगैरह हैं वो आपको फुल LED सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको DRLs मिल जाएंगी। एंड जो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं वो भी आपको फुल LED सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो DRL वगैरह हैं काफ़ी प्यारी आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो सस्पेंशन है, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। यामाहा का स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स यहाँ पर आपको 282 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं। इधर आपको वाइब्रेक कैलिपर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड मडगार्ड इधर आप देखेंगे फुल मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में। इसके अलावा जो इसके अलॉय व्हील्स हैं काफ़ी प्यारा, यहाँ पर नियॉन ग्रीन कलर दिया हुआ है एंड काफ़ी प्यारा है देखने में लगता है। इधर आप टायर साइज़ देखेंगे तो 100x80 17 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इधर आप देखें, यहाँ पर आपको पूरा कूलिंग वगैरह के लिए इधर फिन वगैरह दिए हुए हैं, तो एयर इनटेक वगैरह इंजन का आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड इधर आप देखें तो यहाँ पर आपको नीचे इंजन काउल देखने को मिल जाता है। बाकी इधर में साइड में भी आप देखें तो ये पार्ट पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाता है। इधर आप देखें, यहाँ भी आपको पूरा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड इधर भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर एयर आपका इंजन तक पहुँचती रहेगी। बाकी साइड से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो ग्रीन कलर है इसका एंड ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इधर आप देखें, यहाँ पर आपको मिल जाता है 149 cc का एयर कूल्ड 4-stroke 2-valve इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क। एंड इसके अलावा इधर आपको रियर ब्रेक्स वगैरह मिल जाएंगे। फुट पैक्स पर इधर पूरा रबर पैड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वाले फुट पैक्स आपको मेटल में देखने को मिल जाते हैं। एंड रेयर में आपको देखाऊँ तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। एंड यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको इधर तक पूरा देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में। एंड इसके ऊपर भी आपको पूरा प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा रियर व्यू कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको 220 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। फ्लोटिंग टाइप के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वाइब्रेक ही। एंड इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो इधर पूरा आपका टायर अगर वगैरह दिया हुआ है, ये पार्ट पूरा ओपन ही है। इसके अलावा रियर से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप में टेल लैम्प वगैरह भी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा इधर आप देखें, यहाँ पे आपको पूरा ग्रैब रेल वगैरह इसमें देखने को मिल जाती है। इधर आप देखें, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। ओपन चेन सिस्टम दिया है तो इसको टाइम टू टाइम आपको क्लीन करते रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको रियर फुट पैक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इधर आप देखें तो एक की होल मिल जाता है, तो इसके थ्रू अपना सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं। बाकी इधर आप देखें पूरा ये पार्ट भी आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाता है, ऑलिव ग्रीन कह सकते हैं, तो उस कलर में आपको देखने को मिल जाता है। एंड इधर साइड पैनल वगैरह देखेंगे, इस पर भी आपको टेक्सचर्ड देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये पार्ट पूरा ब्लैक में देखने को मिलता है। इधर आप देखें, यहाँ पर आपका फ्रंट फुट पैक्स मिल जाते हैं एंड इसमें भी रबर पैड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर आप देखेंगे तो इधर आपका गियर लीवर मिल जाता है। बाकी इसके अलावा आपको साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर सीट्स की, तो इधर आपको काफ़ी वाइड सीट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पूरा आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी, कोई भी स्प्लिट सीट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पर ये सीट्स अगर MT से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं। जो पिलियन सीट है ये भी आपको काफ़ी वाइड देखने को मिलती है। एंड राइडर सीट्स भी काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा फ्यूल टैंक वगैरह आपको 13 लीटर्स का देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि देखने को मिलता है एंड काफ़ी वाइड ये फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ये जो पूरी कलर स्कीम है ये आपको मैट में देखने को मिलती है। ये सेंटर का जो पार्ट है ये भी आपको पूरा मैट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रैचेस तो नहीं लगेंगे फिलहाल आपके इस पर। बाकी आपको केयरफुली तो बाइक अपनी रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इधर आपको E20 कंप्लाइंट मिल जाती है, तो आप इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इधर आपका ब्लू कोर वगैरह की बैजिंग मिल जाएगी। कीज़ दिखाऊं तो कुछ ऐसी कीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको यामाहा के लोगों के साथ में। एंड इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो टैंक पर आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और, तो इधर साइड में आपको FZS एंड वर्जन 4 की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी स्विच गियर्स वगैरह दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच मिल जाएगा। इंडिकेटर स्विच है, इधर हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पर आपका इंजन किल स्विच एंड इसके साथ में इधर सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मिरर की क्वालिटी, तो जैसा कि MT में भी आता है, यहाँ भी इनको मिरर की क्वालिटी थोड़ा सा बेटर करनी चाहिए, जो कि आपका नॉर्मल टाइप के यहाँ पर काफ़ी चीप क्वालिटी के मिरर्स देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। एंड इसके अलावा अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इधर आपको फुल डिजिटल में पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको साइड में सारी लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, न्यूट्रल एंड TCS वगैरह की। बाकी इधर आप देखेंगे आपका
इंडिकेटर, एबीएस से लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा इधर आप देखिए, यहाँ पे आपको टैकोमीटर वगैरह मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है, फ्यूल गेज वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको बटन दिया हुआ है, इसी से सारी इन्फो आप चेंज करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। TCS आपका ऑन है, ऑफ है, ओडोमीटर हो गया, ट्रिप्स हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो सीट हाइट वगैरह है वो आपको 790 mm की देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm का देखने को मिलता है। एंड जो व्हील बेस है वो आपको 1330 mm का देखने को मिल जाता है। बाकी आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि इसमें बेस काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी स्वीट सा साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बाइक की सारी डिटेल, बाकी आप बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको कॉस्ट करती है 1.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।